हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का की जो बुक है कैलिडियोस्कोप, उसमें अब हम आ जाते हैं अपना जो नॉन फिक्शन वाला जो सेक्शन है ना उस पर। हमारी जो बुक है वो देखो शॉर्ट स्टोरीज हैं अपने, देन पोइट्री का सेक्शन है, देन हमारे नॉन फिक्शंस हैं, ओके, और देन हमारे दो ड्रामा है, शॉर्ट प्लेज कहते हैं, है ना, वो है, ओके। तो अपन ने शॉर्ट स्टोरीज कंप्लीट कर ली है 5, देन अब हम एक बार नॉन फिक्शन स्टार्ट करेंगे। नॉन फिक्शन के बाद आपके जो वो दो प्ले हैं चंडालिका और ब्रोकन इमेजेस, वो करेंगे। नॉन फिक्शंस में जो आपके 5 या 6 चैप्टर्स हैं इनको कंप्लीट करने के बाद हम अपने जो ड्रामा है वो दो करेंगे, देन हम पोइट्री सेक्शन पर आएंगे, ओके। हम पोइट्री सेक्शन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में और देखने की ज़रूरत है, इसलिए उस हिसाब से अपन प्रिपेयर करेंगे। तो आज हम नॉन फिक्शन आपका जो सेक्शन है, नॉन फिक्शंस देखो, नॉन फिक्शन में क्या होता है, फिक्शंस में स्टोरीज होती हैं जो आपको गेट हो जाती हैं, अच्छे से समझ आ जाने वाली चीज़ें होती है ना, नॉवल्स, कहानियाँ, जो भी ड्रामा, जो वो फिक्शंस के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मगर नॉन फिक्शन इसमें ये चीज़ें होती हैं, आप इनको रीड करके देखो, आप ऊपर से जाएगा सब, है ना। इनमें एसेज होते हैं, फिलोसोफर जो थिंकर होते हैं उनकी कुछ आर्टिकल्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें होती हैं जैसे, वो सब इंक्लूड होते हैं इन चीज़ों में, नॉन फिक्शन। ये चीज़ें आपको समझ नहीं आती है जल्दी सी, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके जो चैप्टर है फ्रीडम। फ्रीडम यानी क्या होता है इन हिंदी, स्वतंत्रता कहते हैं। और आपके राइटर कौन है, जीबी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े इंग्लिश प्लेराइट हैं। आप लिटरेचर अभी ट्वेल्थ में ही हो, आप आगे जब कॉलेज में आ जाओगे, देन आप पढ़ोगे ना लिटरेचर, और फिर आप पीजी करोगे, देन आपको पता चलेगा जीबी शॉ कौन व्यक्ति है। बहुत अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेंगी इनकी चीज़ें, ओके। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनका थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी मैं आपको ये जो आपका ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, ये निबंध फॉर्म में, ओके। और इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो आपके जो जीबी शॉ का एक रेडियो टेलीकास्ट था, ये जो ऐसे है ना, ये जीबी शॉ ने एक समय पे रेडियो टेलीकास्ट हुआ था, ब्रॉडकास्ट कहते हैं ना, उसमें अपना ये जो प्रसंग था वो दिया था, देन इसको ऐसे की फॉर्म में लिखा गया। तो एक तो ये है, और देन आप देखोगे, आपको थोड़ा सा आगे जाओगे चैप्टर में तो आपको दिखेगा कि अंडरस्टैंडिंग द क्या था, अंडरस्टैंडिंग द फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, ये दूसरा पार्ट मिलेगा आपको इसका, ये है जय कृष्ण मूर्ति का। तो हम फ्रीडम भी पढ़ लेते हैं और फिर वो जो आपका दूसरा पार्ट है इसी टेक्स्ट का, वो भी कर लेते हैं हम, है ना, ओके। तो बहुत अच्छे से अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, कहानी नहीं है, जैसा समझा रहा हूँ प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा, ओके। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दूँ आपको, हम क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड की सीक्वेंस क्लासेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपको चैप्टर समझाता हूँ, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूँ इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड के लिए, आपको उधर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, देन और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी स्ट्रीम के हो, इंग्लिश कंपलसरी सबके लिए कॉमन रहती है, वो भी हम बहुत ही अच्छे वे में सीक्वेंस से तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो आज ही चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार, ओके। तो हम इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी स्ट्रेटेजी से, कि आपको टिल दी बोर्ड एग्जाम तक इतने अच्छे से प्रिपेयर कर दूँ दोनों में। लिटरेचर वाले स्टूडेंट हैं उनकी भी क्लासेस और कंपलसरी तो सबके कॉमन है, इंग्लिश कंपलसरी, देन इतना प्रिपेयर कर दूँ कि आप पेपर देने में, पेपर देते वक्त फुली कॉन्फिडेंट हो, एकदम प्रिपेयर्ड होकर जाओगे आप, ओके। चलो, तो आप नए हैं तो आज ही चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस भी, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट सेशंस भी डिस्कस करेंगे आपकी बोर्ड के लिए, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर आएँ, जिससे आपका अच्छा इंप्रेशन बने। चलो, जी बी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनका फुल नेम है जी, और देखो 1856 देन 1950 तक ही इनका ड्यूरेशन रहा है। आयरिश प्लेराइट है, प्लेराइट जो ड्रामा लिखते हैं ना, नाटक, उनको कहा जाता है, ओके। क्रिटिक, आलोचक रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, इनका
इंग्लैंड की जो पॉलिटिक्स थी उनमें इनका थोड़ा थोड़ा रोल रहा है। ओके, अब देखो अवार्डेड, बहुत अवार्डेड, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है इनको, ऑस्कर भी मिला हुआ है इनको, फेमस वर्क्स हैं इनके, देखो मैन एंड सुपरमैन और पिग्मलियन और सेंट जॉन, ये आपको पढ़ने को मिलेगा पीजी में। ओके, तो इनकी रचनाएं वगैरह आप आगे जब पढ़ोगे तो आपके सिलेबस में इंक्लूड हो ही जाती है, जैसे हमारे भी ये ऐसे है। अभी ऐसे समझ नहीं आता ऐसे चीज़ें। अब इसमें फ्रीडम की बात करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं। चलो अपना ऐसे है फ्रीडम, फ्रीडम यानी इन हिंदी होता है स्वतंत्रता। ओके, स्वतंत्रता सभा। अब जो जीबी शो है ये आपका जो ऐसे स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन करते हैं कि एक कंप्लीटली पूरा फ्री इंसान कौन है, वो इज द पर्सन वो ट्रूली फ्री, कौन है जो पूरी तरीके से फ्री है, ऐसा फ्री है एकदम, और ऐसा कोई हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, खुद ही क्लियर करते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई भी नहीं है। ओके, और फिर देन इसका आंसर भी देते हैं, और ये एक चीज बोलते हैं कि फिर पूरा फ्री व्यक्ति कौन है, इसका भी तर्क देते हैं। पूरा फ्री व्यक्ति वो है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो करे, समझना एक बार ध्यान से। ओके, उसका जहां मन हो वो वहां जाए, जब मन करे ये करूं, जब मन करे कुछ नहीं करूं, जब मन करे कुछ, समझ आ गया आपको? तो वो वाला फ्री वाला व्यक्ति कोई है? ऐसा नहीं है ना, तो ऐसा व्यक्ति खुद ही आंसर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है, टोटली फ्री। और फिर ये कहते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंड ट्रू फ्रीडम। तो ऐसी फ्रीडम किसी के पास है क्या, ऐसी डेफिनेशन फ्रीडम की ये दी इन्होंने, ऐसा फ्री व्यक्ति कोई है? तो कोई नहीं है। ओके, कोई भी नहीं है। फिर कहते हैं कि देखो सभी व्यक्ति अपनी अपनी जो नेसेसिटीज होती है ना जी, आवश्यकताएं, अपनी अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं जी, उनको उनके प्रति सभी काम करते रहते हैं, मानते हो ना आप? एक सेकंड, अपनी अपनी नेसेसिटीज होती है ना जी, अपनी अपनी आवश्यकताएं है ना, तो अपनी जितनी भी नेसेसिटीज होती हैं, आवश्यकताएं होते हैं, उनके लिए सभी व्यक्ति क्या है, इन्होंने वर्ड यूज करा है स्लेव। स्लेव क्या होते हैं जी? स्लेव होते हैं गुलाम, बंदी। ओके, तो अपनी अपनी नेसेसिटीज, अब नेसेसिटीज क्या क्या है देखो, सभी व्यक्ति कोई भी फ्री नहीं है, पहली तो बात ये क्लियर कर लो। देन कहते हैं कि नेसेसिटीज हैं जो हमारी, उनके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं है, हमारे को हमारी आवश्यकताओं के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता ही है, टोटली फ्री कोई नहीं है। ओके, और हर एक इंसान क्या है, स्लेव है, और स्लेव के भी दो पार्ट बताए हैं इन्होंने, स्लेवरी टू मैन टू मैन और स्लेवरी टू नेचर। नेचर, ओके, तो दो पार्ट बताए हैं इन्होंने कि स्लेवरी है ना, मतलब जो गुलामी है वो दो प्रकार की है, एक तो मैन टू मैन है और एक नेचर के ऊपर गुलामी है। नेचर और जो मैन टू मैन है ना, इसका दूसरा नाम इन्होंने दिया अननेचुरल, और ये नेचर। अब देखो ये डिफरेंस भी हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, तो पहले एक बार ये चीज ध्यान रख लो कि नेसेसिटीज हमारी जितनी भी हैं उनके प्रति सब हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब एक चीज बताओ, आपको कुछ करना है तो आप उसके लिए कुछ तो एफर्ट लगाओगे ना, तो वो जो एफर्ट लगा रहे हो तो क्या आप वो फ्री हो? नहीं हो ना, तो नहीं हो। आपकी आवश्यकता है, आपको कुछ गेट करना है, कुछ चाहिए आपको, कहीं जाना है आपको, ओके कहीं जाना है आपको, तो आप सोचकर ही चले जाओगे क्या? नहीं जाओगे ना, तो आप पैदल चल के जाओगे, कैसे भी जाओगे, बाय कार जाओगे, तो जा तो रहे हो ना, तो वो आपकी नेसेसिटीज हुई, आप फ्री नहीं हो टोटली, इस चीज को ध्यान रखिए। देन इन्होंने अपने आप को बताया है कि हम हमारी जरूरतों के लिए, हमको देखो, हमको भूख लगती है तो हमको खाना पड़ता है, हमको नींद आती है तो हमें सोना पड़ता है, हमको कहीं जाना होता है तो हमें जाना पड़ता है, हमको बाथ नहाना होता है तो नहाना पड़ता है, हमको क्लोथ्स
वी आर ड्रेस अनड्रेस, हमको पहनने पड़ते हैं, उतारने पड़ते हैं, और ये जितने भी चीजें हैं ना, ये है नेचुरल स्लेवरीज जो नेचर हमारे से करवाती है। तो स्लेवरी तो हुई ना एक तरीके से, समझ में आ रहा है आपको, स्लेवरी तो हुई ना एक तरीके से कि हम ये चीजें कर रहे हैं, तो क्या हम फ्री हैं? हम ये जो हमारी जो नेसेसिटीज है, हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको हम कर रहे हैं जो नेचर हमारे से करवा रही है, तो हम किसके स्लेव हुए? नेचर के स्लेव हुए। और नेचर का स्लेव होना अच्छा माना गया है, लेकिन जो दूसरी काइंड ऑफ स्लेवरी है मैन टू मैन, वो सबसे वर्स्ट, सबसे बुरी स्लेवरी कहलाती है, जिसमें इंसान एक इंसान का गुलाम होता है, उसकी गुलामी करता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। समझ आ गया? तो नेसेसिटीज के वजह से हमारे को सारी चीजें करनी पड़ती, ये हमारी नेचुरल जॉब्स है। आपका क्वेश्चन भी है नेचुरल जॉब्स वाला, ओके तो यही हमारी नेचुरल जॉब्स है कि जो नेचर हमारे से रेगुलरली जो चीजें करवाती है डेली बेसिस पर, वो क्या है? हमारी नेचुरल स्लेवरी है जो नेचर हमारे से करवाती है। ओके, एक समझ आ गया आपको? तो हमारे को हमारी खुद की आवश्यकताओं के लिए, हमारी नेसेसरीज के लिए हमारे को वर्क करना पड़ता है। तो हम ये देखो, नहाना, खाना, सोना वगैरह वगैरह, अगर हम नहीं सोएंगे तो हम बहुत, हमारे मेंटल इलनेस हो जाती है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे हंगर इश्यूज वगैरह वो हो जाते हैं वगैरह, तो समझते हो ना आप ये चीज़ें। तो हमको ये चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, ये नेचर हमारे से करवाती है। समझ में आ गया ये चीज़? अब आती है मैन टू मैन। और देखो एक चीज इन्होंने कही है कि आप कनेक्ट रहिएगा, बस चीजों को समझ जाइए, हम इसको मिक्सचर में अच्छे से आपको समझा दूंगा ये चैप्टर में। ये कहते हैं कि सबको करनी पड़ती है, और वुमेन पर तो देखो ड्यूल नेसेसिटीज है, क्या है जी, उनको बर्थ भी करना पड़ता है, मतलब उनको मतलब आगे सृजन करना पड़ता है, मतलब समझते हो ना आप। तो फीमेल्स हैं जो फीमेल जो क्लास है, उनको तो ड्यूल काम है उनका, तो उनको तो बर्थ भी देनी पड़ती है ना, और फिर उस बच्चे को उसकी ग्रोथ के लिए उसको समझाना सिखाना, उसका लालन पालन करना, तो ये सारे काम औरत करती है ना, फीमेल करती है ना। तो जो एक फीमेल है, एक वुमेन है, उसके ऊपर तो ड्यूल नेसेसिटीज हैं, ये भी उन्होंने बताई है। बर्थ का इन पर बहुत, इनको बर्थ का वो दिया गया है रोल, तो ये उसका ड्यूल नेसेसिटीज हुई ना। ओके, चलो ये समझ आ गया आपको। देन स्लेव क्या? स्लेव होते हैं गुलाम, समझा दिया था आपको मैंने। अब मैन टू मैन नेचर वाली समझ आ गई। अब मैन टू मैन में क्या है? देखो मैन टू मैन में दिक्कत यह है, आप किसी के अधीन या कोई भी लैंडलॉर्ड, कोई भी व्यक्ति जो सुपीरियर है। अब मैन टू मैन में भी ये दिखाया गया है कि जो बड़ा वर्ग होता है, लोअर क्लास और जो एजुकेटेड क्लास, ओके, इनसे क्लास डिफरेंस है, यहाँ पे कास्ट नहीं है। यहाँ पे देखो जो निम्न वर्ग और जो थोड़ा सा अच्छा एजुकेटेड वर्ग है ना, जो वो अपने रूल्स और एक तरीके से जो छोटे लोग होते हैं, जो मतलब थोड़े उस निम्न स्तरीय काम करते हैं, जो अपना मिडिल क्लास समझ लो है ना, तो जो बड़े जी जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, जो एजुकेटेड पीपल होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हमारे से स्लेवरी करवाते हैं। कई लोग होते हैं आप देखते हो कि उनके अधीन काम करना, वो मैन टू मैन स्लेवरी हुई। समझ में आ गई आपको ये चीज? मैन टू मैन स्लेवरी बिल्कुल भी प्रेजवर्दी नहीं है, ये एक पाप है, इसे जल्दी ही खत्म करना चाहिए। आपके जीबी शॉ ने कही है ये चीज कि मैन टू मैन स्लेवरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये शोषण करती है, ये हमारे को पीड़ा पहुंचाती है, हमारे को प्रताड़ित करती है। ओके, एक व्यक्ति किसी के अधीन काम कर रहा है और वो उसको करवा रहा है। अब जैसे जो एजुकेटेड क्लास है वो करवा, अब उसको कहीं जाना है तो या तो वो घोड़े की मदद लेगा, और घोड़े की मदद उस टाइम की बात है इंग्लैंड, तो उसको ड्राइवर की जरूरत होगी। ओके, समझना मेरी बात ध्यान से। तो वो अपनी नेसेसिटीज के लिए दूसरे को गुलाम बनाना, मैन टू मैन स्लेवरी, समझ आ गई आपको? उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो जरूरतें हैं, उसको उसके लिए
किसी दूसरे व्यक्ति को अपने अधीन काम करवाना क्या कहलाता है? मैन टू मैन स्लेवरी कहलाती है, जो बिल्कुल सही नहीं है। ओके, तो लेबर वर्ग है ना, जो श्रमिक वर्ग है, ओके, लेबर क्लास है ना, जो वो क्या सबसे ज्यादा परेशान हो रही है और ये इनको कोई सपोर्ट भी नहीं करता। अब ये सोचे, अब इनमें बताया कि हमारे को थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट भी बताया यहाँ पे हमारे जीबी शो ने, कि अगर लेबर क्लास अपना इनको वोट देने का अधिकार सभी को है, देखो तो क्या होता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को हम इलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये राइट होता है देखो, लेकिन इस तरीके का क्राइटेरिया इनको एक फॉल्स साइड दिखाई जाती है, ट्रू साइड कभी नहीं दिखाई जाती है। इनको फॉल्स वादे किए जाते हैं कि हम जब सत्ता में आ जाएंगे तो इस तरीके की ये ग्रोथ है, ये चीजें हैं आपकी, हम करेंगे। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं ना, माइंड वॉश्ड ये हो जाते हैं, और ये जो बड़े लोग होते हैं ना, पॉलिटिकल लोग, वो इन्हीं में आ रहे हैं। ये मैन टू मैन स्लेवरी, सुनना ध्यान से, ये जो बड़े एजुकेटेड लोग होते हैं ना, ये इनको फॉल्स, एक गलत तरीके से इनको फॉल्स इमेज बनाते हैं अपनी कि हम, लेकिन ट्रू साइड कुछ और ही। आपको पता है क्या है कि बाद में सत्ता में आने के बाद वो किसी को कुछ नहीं पूछते हैं और इनको बेवकूफ बना दिया जाता है। ये पहले भी इसी तरीके से परेशान हो रहे थे और बाद में वो सत्ता में आने के बाद भी इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ में ये चीज आपको, प्लीज कनेक्ट रहिएगा, आपको समझने की बहुत जरूरत है, इसी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो ये इलेक्ट भी करते हैं ना किसी को, तो इनका फायदा नहीं है। जो पॉलिटिकल लीडर इलेक्ट हो जाता है ना, तो वो भी किसकी मदद करता है? जो बड़े एजुकेटेड, जो बड़े भूपति है ना, जो बड़े लोग हैं, उनकी मदद करता है वो भी। इनसे, उनसे कम टैक्स लिया जाता है, और लेबर से किस तरीके से टैक्स लिया जाता है? लेबर, अब लेबर आप मजदूर वाला मत समझना, अपन सब एक तरीके से जो थोड़े काम करते हैं ना, अपन सब श्रमिक ही हैं। ओके, तो उनसे थोड़ा टैक्स लिया जाता है, और लेबर क्लास से किस तरीके से इनडायरेक्टली टैक्स लिया जाता है? लेबर क्लास, अब आप हो कहीं जाके रहोगे, कहीं दूसरी जगह रहोगे तो किराए पे रहोगे तो वो आप जो मकान मालिक, आपका लैंडलॉर्ड हो गया, अब आपको वो, आपको उस तरीके से उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सब एक क्राइटेरिया है, ये सब इनके एक जाल होते हैं, समझने की कोशिश करना। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट भी है वो भी अपनी लेबर क्लास को ध्यान नहीं देती, वो भी जो ये बड़े एजुकेटेड सुपीरियर लोग हैं उन्हीं को सपोर्ट करती है। तो ये चीज आपके जीबी शाह ने हमारे को बताए हैं कि स्लेवरी दो तरह की होती है, जो नेचुरल स्लेवरी है, जो नेचर की स्लेवरी है, उसको करने में हमारे को खुशी होती है, हमारे को प्लेजर मिलता है, हमको अच्छा लगता है, और हमारी जरूरतें पूरी होती है, और हम जो नेचर है हमारे से जो चीजें करवाती है ना, इसमें हमारे को कष्ट नहीं होता है, बल्कि आराम ही मिलता है। लेकिन जो दूसरी स्लेवरी है, क्या स्लेवरी दूसरी, मैन टू मैन, वो बहुत ज्यादा खराब है। इसमें आपको मैंने बता दिया डिटेल से कि किस तरीके से क्या ये लोग करते हैं अपने अधीन काम करवा कर। ओके, समझ आ गई ये चीज आपको? तो बस ये आपको समझ, और नेचुरल जॉब्स, अपनी नेचुरल जॉब्स वही है कि हमारे को भूख लगती है, क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं, और स्लीप चाहिए हमारे को टाइम टू टाइम। समझ आ गया आपको? तो ये चीजें हैं। तो जीबी शाह ने बस यही चीजों को इंडिकेट करने के लिए यही चीजें रिफर की है आपको, जिससे कि आप ये जो, तो देखो फ्रीडम किसी के पास भी नहीं है। मैन टू मैन वाला जो है उसमें भी फ्रीडम नहीं है, और नेचुरल स्लेवरी है उसमें भी फ्रीडम नहीं है। तो फ्रीडम भाई किसी तरीके से नहीं है। तो बस इन्होंने ये कहा है कि जो एजुकेटेड क्लास है उनको बचपन से ही, उनकी जो बच्चे होते हैं ना, उनको इस तरीके से सिखा दिया जाता है कि भाई आप बहुत ज्यादा सुपीरियर हो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनमें जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो भी खत्म कर देते हैं कि आप सुपीरियर क्लास हो, आपको जरा, अब उनके सामने कोई भी लेबर या छोटा, उनका किसी भी दोस्त ही मान लो, वो बड़ी बड़ी क्लास के हैं, वो अब साथ वाला कोई भी थोड़ा निम्न होगा तो उसके प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं, कोई नहीं, तू सुपीरियर है भाई। बचपन से इन्हें इस तरीके से सिखा दिया जाता है। ये भी इन्होंने, जीबी शाह ने अपने को इस चैप्टर में बताया है कि दे फील देम सेल्वेज सुपीरियर, और इस तरीके से ड्रेस होते हैं, इस तरीके से एक्सेंट में बात करते हैं इन लेबर्स के सामने, जिससे को नीचा फील होए। समझ आ गया आपको? और अपना वर्क किससे करवाती है ये एजुकेटेड क्लास, ये जो
हाई क्लास किससे करवाती है अपना वर्क, जो लेबर क्लास होती है, जो जो मीडियम दर्जे पर जो लोग हैं उनसे करवाती है। ओके, समझ आ गया। तो इन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को स्टार्टिंग से समझाना चाहिए कि किस हिसाब से पैसों का यूज़ किया जाता है। अब आप सोचेंगे पैसों का यूज़ ज़्यादा क्यों, पैसों का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सही तरीके से। अब इन्होंने कहा कि पैसों का गलत यूज़ ज़्यादा कौन सी क्लास करती है, आप बताओ, ये जो मास्टर क्लास होती है वो करती है या फिर जो लेबर क्लास, जो स्लेवरी क्लास होती है वो करती है, बताओ। मास्टर क्लास करती है, बिल्कुल नहीं करती, उनके पास पैसे है ना, तो उनको पैसों की वैल्यू पता है। सबसे बड़ी बात, जो अपनी जो लेबर क्लास है ना, ये चीज़ बताई है कि जो लेबर क्लास है, जो स्लेवरी क्लास है ना, वो सबसे ज़्यादा मिसयूज़ करती है पैसों का, क्योंकि उसको पैसों को खर्च करना नहीं आता है। और जो मास्टर क्लास होती है ना, जो मैन टू मैन वाले, इनको पता है पैसों का सब। समझ आई आपको ये चीज़? तो ये बहुत सोच समझ के चीज़ों को खर्च करते हैं, ये भी डिफरेंस बताया है आपके जीबी शो ने। और फिर एंड में कहते हैं कि ये जो स्लेवरी, इसको ख़त्म करना चाहिए, धीरे धीरे तो ख़त्म होने से रही, एक मतलब जल्दी तो ख़त्म होने से रही, धीरे धीरे अगर हो सके तो हो। बाकी फिर लास्ट में क्वेश्चन करते हैं आपके जीबी शो, क्या कि आप बताएं मुझे कि अगर आपको, आप फिर एक क्वेश्चन करते हैं अपने से, देन उनका पोर्शन ख़त्म हो जाता है अपना। क्या उन्होंने कहा कि आपको 45 ईयर्स तक काम करना पड़े 8 आवर्स रेगुलर बेसिस पर, और फिर आपको आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी, आपने कर लिया। ओके, एक ऑप्शन तो ये दिया कि आप क्या चाहोगे कि आप 45 ईयर्स ओल्ड तक आप काम करो 8 घंटे दिन के। ओके, और दूसरा ऑप्शन दिया कि 70 की एज तक काम करो और 4 घंटे काम करो। ये दो ऑप्शन दिए, तो आपको कौन सा पसंद आएगा बताओ। 70 की उम्र तक, लास्ट एज तक हो जाती है व्यक्ति की, तो तब तक काम करो लेकिन 4 घंटे ही काम करो। और एक दिया कि आप 8 घंटे डेली बेसिस पे काम करो, और आप जब 45 इयर्स, तो उनका कॉन्सेप्ट है, बाकी अपने तो 60-65 प्लस ये होता है। ओके, तो उसके बाद आपको पेंशन पर। ओके, तो ये इन्होंने दो हमारे को ऑप्शन दिए कि आप बताएं आपको कौन सा उचित लगता है, आप कौन सा करना चाहेंगे। तो आप भी कमेंट में बताइएगा आप कौन सा करना चाहेंगे, दो क्वेश्चंस करे हैं। ओके, तो ये हमारे यहाँ पे जो फ्रीडम वाला चैप्टर है, ये जो ऐसे है ये ख़त्म होता है। तो इसमें ये टिपिकल चीज़ें बताई गई है, आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर होगा, बाकी नहीं होगा तो आपने वीडियो मैंने समझाया आपको, बस नॉर्मली समझाई हैं चीज़ें, क्योंकि आप समझ जाएं, बस इसी वे में आपको पढ़ाया कि आप समझ जाओ इस चीज़ों को। फिर भी कोई डाउट हो आपको तो आप डिस्क्रिप्शन में, आपको देखो टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी डाउट वगैरह के लिए आप कमेंट सेक्शन पढ़ा हुआ है, आप उस पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये हाँ, हमारा फ्रीडम जो ऐसे है वो कंप्लीट होता है। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो जय कृष्ण मूर्ति का है, अंडरस्टैंडिंग द फ्रीडम एंड डिसिप्लिन वाला, उसको क्लियर कर लेते हैं अभी हम, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई ना, जी बी शाह ने क्या कन्वे करना चाहे, स्लेवरी समझ आ गई आपको, स्लेवरी आ गई ना समझ, और मैन टू मैन स्लेवरी, और जो स्लेवरी टू नेचर। ओके, ये समझ आ गया ना आपको, मैंने इसी तरीके से डिटेल में आपको ये चीज़ बता दी है, वरना छोटा मोटा आपको बता देता 5-7-10 मिनट में इसकी छोटी सी मीनिंग। ओके, समरी, लेकिन हमने डिटेल में बात कर लिया, आपको समझाना ज़रूरी था, बाकी आप टेक्स्ट पढ़िएगा आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं हम अपना नेक्स्ट पोर्शन पर इसके। ओके, जय कृष्ण मूर्ति जी का। हाँ जी, तो अब हम बात कर लेते हैं अपना ये जो फ्रीडम, ये पोर्शन तो हो गया जी बी शाह वाला, अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, जो अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, जो आपके जी बी शाह, ये आपके जय कृष्ण मूर्ति जी का है। ओके, तो हम इस पे बात कर लेते हैं, जय कृष्ण मूर्ति। ओके, ये इनका पोर्शन आपके दे रखा है, और एक पोर्शन आपका जीवी शौक दे रखा है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि फ्रीडम और डिसिप्लिन को समझें, आपकी क्या डिफरेंस वगैरह है, क्या आप डिसिप्लिन को फ्रीडम कह सकते हो, फ्रीडम में या फिर फ्रीडम में डिसिप्लिन इंक्लूड हो जाता है। डिसिप्लिन क्या होता है भाई, डिसिप्लिन समझना कि डिसिप्लिन होता है किस रेसिस्ट करना, किसी चीज़ को विरोध करना। अब आप एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ आपको हो रही है कि यार ये चीज़ मैं करूं, लेकिन आप उस चीज़ को रेसिस्ट कर देते हो, वो उन चीज़ों को
साइड कर देते हो एक तरीके से अपने तरफ से, तो आप डिसिप्लिन कहलाते हो। समझ आई आपको ये चीज? ये आपके जय कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि कोई चीज को रेसिस्ट करना डिसिप्लिन कहलाता है। अब आप कोई चीज मन हो रही है आपकी, कोई चीज बहुत ज्यादा आपको समझ आ रहा, आपको कुछ चीज करनी है ये चीज, लेकिन आप उसको साइड करते हो और आप एक डिसिप्लिन व्यक्ति कहलाते हो, ये होता है डिसिप्लिन। तो क्या फ्रीडम और डिसिप्लिन सिमिलर है? फ्रीडम क्या फ्रीडम तो डिसिप्लिन फ्रीडम हुई क्या, बताओ? आप किसी चीज को अगर कर ही नहीं पा रहे हो जो आप चाहते हो, तो वो कोई तरीके की फ्रीडम हुई? आप डिसिप्लिन तो कहलाओगे, हाँ ठीक है, लेकिन आप फ्री हो क्या? डिसिप्लिन व्यक्ति फ्री है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब एक चीज बताओ, आपको कोई चीज करने का मन हो रहा है और आप उस चीज को कर ही नहीं पा रहे हो, तो क्या ऐसे डिसिप्लिन का या फिर ऐसे फ्रीडम का क्या मतलब? ओके, तो ये चीज हमको पहले क्लियर करी है उन्होंने, जय कृष्णमूर्ति जी ने, कि देखो डिसिप्लिन का तो ये होता है। ओके, देन फ्री है क्या वो व्यक्ति? नहीं, वो फ्री नहीं है। तो एक व्यक्ति खूब सारे दायरों से, बैरियर से, खूब सारी चीजों से घिरा हुआ है, मतलब एक तरीके से मान लो ये सर्किल है और इस सर्किल में आप हो। अब आपको बाहर आना है, बाहर चीजें देखो, इन्होंने कहा कि देखो चीजें समझना मेरी बात, हम स्ट्रक्चर भी समझ लेंगे। अब आप कुछ करना चाहते हो, अब आप डिसिप्लिन्ड हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, डिसिप्लिन्ड हो, तो आपको आपके फैमिली में डिसिप्लिन किया गया है, आपके आपके देखो फैमिली, आपके टीचर्स या जिससे भी आप सीख लेते हो, उन सब ने आपको डिसिप्लिन होना ही सिखाया है। घर के सदस्य डिसिप्लिन होना सिखाते हैं, बेटा ये चीज सही है, ये चीज नहीं सही है। टीचर्स हमको जो भी तरीके से गाइड करते हैं, ये चीज सही है, ये चीज नहीं है, लेकिन हम डिसिप्लिन तो हैं। चलो डिसिप्लिन इनका, इन सब के जो लॉज, हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स समझ नहीं, देखो सारी चीजें लिख लेता हूं मैं, रूल्स हैं, ओके, टीचर्स हैं, फैमिलीज हैं, रूल्स हैं, जो भी नियम कायदे राइट्स हैं, ओके, जितने भी ये सब हैं, ये क्या है? ये अगर ये चीजें हैं आप में और आप इन चीज को फॉलो करते हो, तो आप डिसिप्लिन कहलाते हो। हाँ ठीक, घर वालों की आज्ञा है मान रहा है तो डिसिप्लिन है, टीचर्स की आज्ञा मान रहा है जैसा कह रहे हैं वैसे कर, लेकिन क्या आप खुद को फ्री मानते हो? क्या आप खुद को फ्री मानते हो? आप फ्री नहीं हो। आप सोचते किन की उससे हो? घर वालों की, उसके उनके दृष्टिकोण से। हाँ, आपको ये चीज बता दी गई और ये चीज सही है तो सही है, और ये चीज गलत है तो गलत है। तो आप उनके, आपके टीचर्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, इन चीजों के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, लेकिन आपने खुद ने अपने माइंड से फ्रीली सोचा क्या? आ गया समझ कॉन्सेप्ट? अब तो डिसिप्लिन एंड फ्रीडम, तो खुद के हम देखो, तो डिसिप्लिन तो हो गए हम, लेकिन हमने हमारे माइंड का यूज ही नहीं किया। हमको जो जैसा कह रहा है, हाँ ठीक, हम उसको वैसा ही स्वीकार कर रहे हैं, तो हम डिसिप्लिन है, तो हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगी। पूरा अच्छे से कही ये चीज, डरने वाली बात नहीं है, राइटर ऐसे ही होते हैं भाई, राइटर जो चीज कहते हैं वो कहते हैं, किसी से नहीं डरते हैं राइटर। ओके, तो अपने तो इंग्लिश में तो इसी तरीके से है, आप आगे भी पढ़ोगे ना तो इतनी चीजें पढ़ोगे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या कह देते हैं ये लोग, अचंभा करोगे कि इनको डर नहीं लगता क्या किसी से, ऐसी ऐसी राइटिंग्स भी होती हैं। ओके, तो खूब उनका विरोध भी होता है, खूब प्रचलन में भी आ जाती है वगैरह वगैरह, बाकी एक तरीके से ओपनली करते हैं ये। ओके चलो, हाँ, तो आपने फ्री अपना खुद का दिमाग लगाया, नहीं लगाया ना, खुद ने उस चीज को सोचा, आपको जैसा कहा जा रहा आप वैसा करते जा रहे हो, तो आप डिसिप्लिन हुए, लेकिन आप फ्री नहीं हो, तो आप फ्री बिल्कुल नहीं हो। और आपको फ्री को, आप फ्री होना चाहते हो, आप डिसिप्लिन, लेकिन आप फ्री भी होना चाहते हो यार, आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स हैं। ओके, डिजायर्स हैं, आपकी नीड्स हैं, आपकी वॉन्ट्स हैं, कि ये चीजें मेरी डिजायर्स हैं, नीड्स हैं, वॉन्ट्स हैं,
ये चीजें मैं करना चाहता हूँ, ये चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। लेकिन आप किसके बैरियर में हो, ये जो लोग है ना, समझ में आ गए एक चीज, हम अब समझना अच्छे से, ये जो लोग है ना, ये जो सर्किल है ना जी, ये जो सर्किल है, ये लोग हैं, ये लोग फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, रूल्स रेगुलेशंस, जो भी लॉज नियम कायदे सॉरी जो चीजें हैं ना, ये हमारे को डिसिप्लिन बनाती हैं। लेकिन हम इनके रहते हुए कभी भी फ्री नहीं सोच पाते, खुद के अकॉर्डिंगली चीजें नहीं सोच पाते, और हम जो कह दिया वो मान लिया। और एक व्यक्ति यहाँ पे, जो व्यक्ति है, इसकी ये डिजायर्स है कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं ये चीज करना चाहता हूँ, आई लाइक टू, ये चाहे मान लो क्रिकेट खेलना, कुछ भी हो, तो मानो ये चीज आप कि उसकी खूब सारी डिजायर्स हैं, किसी भी तरीके की डिजायर्स हो सकती है व्यक्ति की, लेकिन वो किसके बैरियर से बंधा हुआ है भाई, फैमिली मेंबर्स के, फैमिली के रूल्स से, लॉज नियम कायदों से, टीचर्स से, कि ये चीजें गलत हैं। लेकिन और फिर तो वो चीजें उसको उसी तरीके से, उसको एक तरीके से डिसिप्लिन कर दिया, लेकिन वो फ्रीली खुद नहीं सोचता ना, अगर तो वो चाहे कितना ही इनके फैमिली मेंबर्स या टीचर्स उसको कितना ही पढ़ा लिखा के चाहे कुछ ही कर दे, लेकिन वो खुद का दिमाग से अगर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, खुद के दिमाग से कुछ कर नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति इतना ज़्यादा मेंटली इतना डेवलप और वो कुछ स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा अपनी। ये चीज़ आप ज़रूर समझिएगा, मैं आपको एक ही चीज़ कहता हूँ, खुद के बेस पर हमेशा निर्णय लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा गाइड आप हुए है औरों से हुई है, लेकिन जो खुद का दिल करता है ना, वो काम ज़रूर करना जीवन में, कुछ भी हो वो, एज वो कुछ भी हो आपको करना, गलत कभी मत करना कुछ, लेकिन हाँ कि ये चीज़ मेरी है, मुझे करनी है तो मैं करूँगा। ये सारे ये धरे के धरे रह जाती हैं चीज़ें, समझ आ रही है आपको? तो बस ये कहना चाह रहा हूँ मैं, तो आप समझे। तो एक ये बैरियर है, काय का बैरियर है, इन लोगों का, इन सारी चीज़ों का बैरियर, तो एक व्यक्ति इस बैरियर में है अभी, और वो चाहता है बाहर निकलना इन चीज़ों से, समझ आ रहा आपको? लेकिन वो निकल क्यों नहीं पाता है, इन लोगों की वजह से निकल नहीं पाता है, वो पूरी तरीके से डिसिप्लिन हो चुका है, वो फ्रीली नहीं सोच पाता है, ना वो फ्री, उसको कोई इस चीज़ की फ्रीडम है, और वो ना उसके मेंटल फ्रीडम है, वो कुछ भी डिसीजन, कोई भी चीज़, वो अब ही वॉन्ट टू डू समथिंग, कोई भी हो, बट एक तरीके से लोग जो हैं वो इन्फोर्स, जो चीज़ें हैं ना वो हमारे पर इन्फोर्स कर देते हैं, बर्डन कर देते हैं, हमारे पे थोप देते हैं, हमारे पे दबाव डाल देते हैं चीजों का। तो इन चीजों की वजह से और इन लोगों की वजह से व्यक्ति अपने आप को ओपनली या फ्रीली कुछ कर नहीं पाता है, ये चीजें, और इन लोगों के दायरे में रहता है, इन लोगों के दायरे में रहता है, समझ आ गई आपको ये चीज? ये जो लोग हैं इस, तो इन्होंने यही चीज बताई है कि इफ यू, अब इन्होंने कहा कि आपको कुछ चाहिए ना, तो डिजायर जो भी वांट्स आप, वो चाहता है कि अब ये जो लोग हैं क्या, देखो ये चीज सही है तुम्हारे लिए, अब ये बेचारा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, अब ये लोग एक तरीके से, लेकिन ये करना चाहता, मैं कह रहा हूँ ये बाहर निकलना चाहता है, लेकिन ये फिर नहीं निकल पाता ना, तो कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, द्वंद्व, तो खूब सारे द्वंद्वात्मक स्थिति हो जाती है इसकी, और फिर बाद में जब ये चीजें बढ़ जाती है ना, तो एक इनवर्ड क्वेश्चन भी है, स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन के अंदर, बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं पा रहा है इन चीजों से, तो एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं पहले, तो फिर वो ज्यादा प्रेशराइज हो जाती है चीजें, तो फिर इनवर्ड स्ट्रगल स्टार्ट होता है। इनवर्ड स्ट्रगल क्या होता है, कोई व्यक्ति कुछ करना चाह रहा है, ही वॉन्ट टू डू समथिंग, बट हिज पेरेंट्स, टीचर्स और अदर गुरु या रूल्स रेगुलेशन लॉज ओके कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, ये जो चीजें हैं, दे से डोंट, कि ये चीजें नहीं करनी, बट ही वॉन्ट टू डू, लेकिन वो तो करना चाहता है भाई ये चीजें, बट कर नहीं पा रहा, तो ये जो चीजें वो नहीं कर पा रहा ना, तो वो अंदर ही अंदर इनवर्ड स्ट्रगल, इनवर्ड कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट होते हैं, तो फिर उसके स्टार्ट हो जाती है फ्यूरी, और वो पेन स्टार्ट हो जाते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, और इस तरीके से डिप्रेस्ड हो जाता है, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इनवर्ड स्ट्रगल इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज़ आपके जो जय कृष्णमूर्ति जी हैं उन्होंने समझाई है। ओके, समझ आ गया आपको? डिप्रेशन भी लिख लो,
ओके, तो हमेशा खुद के उससे तो ये इनवर्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। चीजें समझ आ गई आपको? ओके, देन अब हम बात, तो ये चीजें आपको समझ आ गई, वो करना चाहता है कर नहीं पाते हैं चीजें, तो हमारे ये लोग इस तरीके से करते हैं। ओके, देन फिर एक चीज भी बताते हूं कि जो डिसिप्लिन्ड व्यक्ति होता है ना, उसको की जो सेंसिटिविटी होती है ना जी, ओके, संवेदनशीलता, इन हिंदी शीलता, जो दूसरों के प्रति जो संवेदन होता है ना व्यक्ति को, ये चीज एंड में बता रहे हैं कि वो कि जो एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है ना, वो संवेदनशील नहीं होता, धीरे धीरे उसके अंदर संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। अब मानो इन्हें एक एग्जांपल दिया कि कोई व्यक्ति बाहर कोई लेबर या कोई काम कर रहा हो, तो कोई डिसिप्लिन व्यक्ति है ना, उसको एक तरीके से कोई क्राइटेरिया बताया ना मैंने आपको इन लोगों का, तो इन ये जो है ये एक क्राइटेरिया है। तो अब कोई व्यक्ति उसकी हेल्प करना चाहे, मान लो कोई आप हो, आप रास्ते में जा रहे हो, अब आप जा रहे हो तो आपको कोई गरीब मिल गया, अब आप उसकी कुछ हेल्प करना चाहते हो, एंड कुछ भी करना चाहो, आप उसे बोलना चाहो, उसको कुछ हेल्प देना चाहो किसी भी तरीके से, लेकिन आप तो ये चीज़ क्या हुई, उसके प्रति संवेदना, उसके प्रति आप सेंसिटिव हो, उसके प्रति आपको दिल में थोड़ा सा जग रहा है, आप थोड़ा सा उसके लिए फील कर रहे हो, है ना, लेकिन बट आप ऐसा नहीं करो, उसको देख ले, हाँ ठीक चलते हैं फिर, तो इस तरीके से एक डिफरेंस गया कि वो संवेदनशील होना बंद हो जाता है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, उस इनसेंसिटिव हो जाता है वो व्यक्ति, संवेदनहीन हो जाता है वो व्यक्ति। ओके, तो ये चीजें बताई है उन्होंने कि वो व्यक्ति इनसेंसिटिव हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है, क्योंकि उसके जो लोग हैं, जो घर वाले हैं, जो टीचर्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह, ये जो चीजें होती हैं, ये इन चीजों के खिलाफ है, सिखा के रखते हैं, घर पे भी सिखा के रखते हैं, टीचर्स भी कहते हैं इस तरीके से नहीं करना, वो नहीं करना, तो हम एक तरीके से एक कुछ चीज़ों पर के क्राइटेरिया में इंक्लोज्ड हैं, तो हम वो चीज़ नहीं करते हैं। तो एक डिसिप्लिन व्यक्ति होता है ना, वो इनसेंसिटिव हो जाता है, संवेदनहीन हो जाता है। ये चीज़ भी आपके जो जय कृष्णमूर्ति जी हैं उन्होंने बताई है कि किसी के प्रति उसको फिर संवेदना, ये तो एक एग्जाम्पल है, तो कोई भी ऐसी कुछ सामने कुछ चीज़ आप सोचो, आप कर रहे हो ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, नियम कायदे वगैरह वगैरह, बाहर कहीं आपके कोई आग वाग लग गई या कुछ हो गया या कोई भी बड़ी इंसिडेंट हो गया मानो, तो आपको वही अब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, तो ये डिसिप्लिन होता है, ये इनसेंसिटिविटी जो संवेदनहीन जो चीज़ें होती है ना उनको जन्म दे दे, तो वो व्यक्ति थोड़ा एंड में जाके इनसेंसिटिव भी हो जाता है। तो बस ये चीज़ें हैं आपके जो जय कृष्णमूर्ति है उन्होंने समझाई है, तो मैंने आपको मेरी तरफ से तो देखो बहुत अच्छे से समझाया है, ये चीज़ जो आपके लास्ट के 3 या 4 पेजेस हैं इनको बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझा दिया, बाकी आपको समझ आ भी गया होगा, होप करता हूँ आ ही गया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि बहुत अच्छा लगा आपको। तो हमने क्या कर लिया जी, हमने फ्रीडम में जो जीबी शाह का जो पोर्शन था वो करा, देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एंड डिसिप्लिन, समझ आ गई ना ये चीज़ आपको, ये हमने क्लियर कर चुके हैं हम दोनों चीज़ें। ओके, दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी मुझसे आस्क कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना, कैसा समझ आ गया होगा, क्योंकि नॉन फिक्शन सिर्फ समझने वाले हैं, तो आप बताइएगा कि आपको समझ आया क्या दोनों पोर्शन आपके। ओके, तो अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा फील होगा कि हाँ बच्चों को समझ आ रहा है। ओके, तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे बात कर लेंगे। ओके जी, कोई भी क्यूरी हो आप बता सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप कम्युनिटी पे भी देख सकते हैं मेरे इधर। ओके, तो मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, प्लेलिस्ट अरेंज है, आराम से आप सारी क्लासेस सीक्वेंस से देख सकते हो। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ, थैंक यू वेरी मच।